सो फर्स्टली इंजीनियरिंग डेटा जनरल मटेरियल्स पे सिलेक्ट करेंगे। स्टेनलेस स्टील बताया था मैंने, ग्रे कास्ट आयरन और एल्युमिनियम अलॉय, ये चार होंगे हमारे पास आज। ज्योमेट्री में गए हम लोग, ज्योमेट्री डेस्क आइए, ब्राउज करना पड़ेगा मुझे। सी ये देखने में आ रहा है, ये और ये अलग है। सो व्हाट विल डू इज नाउ वी हैव पार्ट वन हियर, हीट डेस्क वन लिखेंगे इसको, और इस पार्ट को हिट डेस्क टू लिखेंगे। ओके सो नाउ दैट वी हैव हियर, सो अभी डिजाइन मॉडलर में जाएंगे हम लोग। सो हमारे पास ये सब आ गया। सो फर्स्ट थिंग हिट डेस्क वन, हिट डेस्क वन को स्ट्रक्चरल स्टील में है, हिट डेस्क टू भी है, ये वाले डेस्क भी है, और ये इसके पीछे वाले की डिस्क भी है। ओके सो नाउ कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट रीजन वन है, ओके विच इज बॉन्डेड, द कॉन्टैक्ट शुड बी बॉन्डेड ओवर हियर, या आप आपके ऊपर है नो सेपरेशन भी दे सकते हो। नो सेपरेशन और बॉन्डेड एक्ट्स एज अ सेम, बट इन स्टैटिक स्ट्रक्चरल व्हेन यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ वेल्डिंग वर्क यू नीड टू गो फॉर bonded, and when you are doing an assembly work that should be no separation. Okay, agar nut and bolt hai to uske upar bonded nahi hoga, uske liye contact no separation hoga, aur agar weld hoge kidhar to uske liye contact region bonded hoga. अभी इनिशियल टेम्परेचर हम 28 डिग्री लेंगे। सो नाउ हम इस डिस्क का और इस डिस्क का दोनों का मिला के 150 डिग्री करेंगे, द टोटल टेम्परेचर ऑफ देम कन्वेक्शन, कन्वेक्शन सारे चीज़ों का होगा, राइट? कन्वेक्शन ऐसा अलग नहीं होता है। हो गया पूरा सिलेक्ट फोर बॉडीज, इसके ऊपर डालेंगे हीट फ्लो। उसकी वैल्यू है हीट फ्लो फॉर स्टील,
ऊपर की 390 लिखी है। ओके ठीक है। ठीक से तो होने वाला है। सॉरी, उसके बाद रेडिएशन। हीट रेडिएट करेगा नहीं तो रेडिएशन कितना है वो भी देख लेंगे। हो गया। सुन, व्हाट इज द टेम्परेचर? मैक्स तो हमें पता है कि ये इधर होगा। सो डिस्क के ऊपर कितना ये आया है, हीट जनरेट कितना हुआ है अभी, ये पार्टीशन में कितना है। सो नाउ व्हाट विल डू इज लाइक मैक्सिमम प्रोब। ओके ठीक है। दीज आर दी वैल्यूज और दीज आर दी टेम्परेचर्स ओवर हियर। सो अभी ये टेम्परेचर्स पीछे गए हैं, हमने हीट खाली इधर से दिए हैं। अगर हीट हम लोग इधर से भी देंगे तो इधर का भी टेम्परेचर हिलेगा। ओके सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज लाइक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए थर्मल में, लाइक और कंपोनेंट्स डालने की और मूविंग फॉरवर्ड इनटू दोज काइंड ऑफ थिंग्स वेयर यू आर लाइक कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। अभी टोटल हीट फ्लक्स देखेंगे। सो मिनिमम तो पीछे ही होगा, ये मैक्सिमम हीट फ्लक्स है। मैक्सिमम हीट फ्लक्स ये डिस्क और ये डिस्क, मतलब अपने जो हिट डिस्क है उनमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हिट फ्लक्स होगा। अभी प्रोब लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा किधर किधर हुआ है। हिट फ्लक्स मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर, कि कितनी कितना वाट ऑफ हीट गया है पर मीटर स्क्वायर। ओके सो दीज आर दी वैल्यूज। दिस इज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, राइट? सो अभी हम ज्योमेट्री बदलेंगे। ज्योमेट्री में जाके स्ट्रक्चरल स्टील के बजाय वी विल गो फॉर स्टेनलेस स्टील। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज गूगल
थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टेनलेस स्टील। हंड्रेड 21.5। ओके (21.5 + 2) 30। (251.5) सो कन्वेक्शन में इट इज 251.5। ओके विल सॉल्व इट। अभी टेम्परेचर जरा सा बदल गया है, ये आप देख सकते हो। बाहर की तरफ जरा सा कम है क्योंकि कन्वेक्शन बहुत है। ये देखिए बाहर की तरफ बहुत कम कन्वेक्शन है और पीछे की तरफ भी 50 डिग्री ही है। ओके अभी हीट फ्लक्स पे आएंगे तो हीट फ्लक्स भी बहुत ही कम है। इसको मैं देखिए बाहर की तरफ हीट फ्लक्स ज्यादा है, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट द हीट इज फ्लोइंग अवे। लाइक थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने से हीट फ्लक्स ज्यादा होता है। सो हीट फ्लक्स को वो हीट को बाहर फेंकता है। कौन से भी बॉडी अगर थर्मल कंडक्टिविटी उसकी हाई है तो वो हीट उसका सर्टनली हीट फ्लक्स भी ज्यादा होगा, इसलिए वो हीट जल्दी से बाहर फेंकेगा। दैट्स व्हाई हीट फ्लक्स इज वेरी प्रीटी मच हायर ऑन द साइड्स ऑन द एजेस आई मीन टू से। ओके गाइस किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। समझ में आ रहा है कैसे किया क्यों किया? थर्मल कंडक्टिविटी फिर कन्वेक्शन रेडिएशन क्यों कैसा? ओके तो चलो हिट डिस्क को अभी बदल देते हैं स्टेनलेस स्टील से, रिप्लेस करके ग्रीकास्ट आयरन में जाएंगे। अभी ग्रे कास्ट आयन है तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा इसमें? सी ग्रे कास्ट आयन की थर्मल कंडक्टिविटी लो है तो इसका मतलब हीट फ्लक्स हाई होगा या लो होगा?
हिट फेंकी जाएगी या नहीं? तो अभी कन्वेक्शन में आएंगे। ग्रे कास्ट आयरन फिफ्टी थ्री। टेम्परेचर वेरी हो रहे हैं, 151.99 मैक्सिमम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी डेंसर स्टेट में जा रहे हैं जिसका सिलिकॉन परसेंटेज ज़्यादा है। ग्रेकास्ट आयरन का सिलिकॉन परसेंटेज ज़्यादा होता है ना, इसलिए वो हीट अब्जॉर्ब करके रखता है। सो व्हाट गाइस, मैंने कल आपको मूवी बताई थी ना एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। यस सर, बताया था। हाँ तो उस अभी आई गेस मूवी देख भी सकते हैं हम लोग। अगर एक बार ये एक्सपोर्ट वीडियो हो गया इधर एनिमेशन ग्राफ में जाके एनिमेशन के सबसे राइट कॉर्नर में एक जूम टू फेट एनिमेशन होता है। ये देखिए, ऐसा किया तो ये जूम हो जाएगा, जूम टू फिट हो जाएगा। और उसके बाद इस फाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। मैं डेस्कटॉप पे करूँगा, आई विल गो इट एज थर्मल, तभी वो सेव हो जाएगी। हो गई। अगर मैं इधर प्रोब लेके, व्हाट आई विल डू इज लाइक कैरी ऑन हाउ मच टेम्परेचर्स आर हियर, ओके। तो डेस्क के बीच में कितना टेम्परेचर है पीछे, और ये ग्रे कास्ट आयरन हो गया तो एल्यूमिनियम अलॉय में जाएंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन भी करेंगे। सो कॉम्बिनेशन में अल्लाह 237 और थर्मल कंडक्टिविटी इसका कितना है, 237 190 1.9
150, so that's 150 plus 230 Kelvin, 380. 380, yeah. हमें ध्यान में क्या रखना है कि कॉन्स्टेंटली थर्मल कंडक्टिविटी कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, क्या नहीं और क्या क्या हो सकता है. तो टेम्परेचर 151.24. अभी ये देखो, इसका हीट फ्लो और है तो इसका हीट फ्लक्स ज़्यादा है. ये देखो पीछे की तरफ भी आया है. अगर प्रोब इधर गया तो यू कैन मेजर द हीट फ्लक्स ओवर हियर. सी यू आर गेटिंग टू नो दैट इट्स हाई, राइट? वाट पर मीटर स्क्वायर दैट्स इट्स हाई, मतलब टोटल हीट कितना है. अभी इसमें डायरेक्शनल हीट फ्लक्स भी आ सकता है गोइंग विद जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस में डायरेक्शनल हीट फ्लक्स भी आ सकता है. सो अलोंग जेड एक्सिस, ओके, मैक्स और मिन निकल देते हैं. द मैक्सिमम हीट फ्लक्स इज ओवर हियर इन दिस रीजन और एजेस पे है. सो टोटल हीट इस रीजन में, मतलब द फ्लो ऑफ हीट इज फॉर द जेड एक्सिस इज फ्रॉम हियर. सो जेड एक्सिस हमारा ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है, ओके. सो हीट फ्लक्स इधर से इधर और इधर जाएगा और थ्रू द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क ऐसा होगा, ओके. सो अभी हम क्या करने वाले हैं, दैट व्हाट वी विल डू इज लाइक हिट डिस्क को हम स्ट्रक्चरल स्टील करेंगे और हिट डिस्क टू को भी स्ट्रक्चरल स्टील करेंगे और ये दोनों डिस्क को हम एल्युमिनियम अलॉय रख देते हैं. एंड द टेम्परेचर ओवर हियर दैट वुड बी 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो 513 मैक्सिमम है. सो वेयर इज द मैक्सिमम, वेयर इज द मिनिमम? सो मैक्सिमम ये हिट डिस्क पे ही है. अगर ये हिट डिस्क को हाइड बॉडी किया तो हिट डिस्क को हमने हाइड किया है. अभी टेम्परेचर देखेंगे. अभी आप ये ऐसे दोनों बैंड्स देख रहे हो सर्कल में, ऐसे दोनों बैंड्स, ये एक सर्कल और एक ये सर्कल, ये दोनों हिट डिस्क है हमारी, ओके. सो अभी मैक्सिमम टेम्परेचर किधर है, जब हिट डिस्क फर्स्ट हिट डिस्क है ना, ये जब इधर स्टिक हो है ना, वो बाउंडेड है ना इधर, तो 150 डिग्री को 500 डिग्रीज को डिग्री सेल्सियस को वो फेंक रहा है. उसके अंदर हीट है 500 डिग्री सेल्सियस की. सो इसलिए वो इधर फेंकेगा और उसके बाजू में there will be an approximate value of these terms. Either 4850. अभी हमारा मिनिमम टेम्परेचर भी 44 डिग्री आया है. पहले 150 डिग्री किया था तो मिनिमम टेम्परेचर हमारा था the ambient temperature of 28 degree Celsius जो हमने लिया था. Okay. So on this corner also what we are getting is 300 and the in the range of 350. अभी
टोटल हीट फ्लक्स देखेंगे, टोटल हीट फ्लक्स इज मोर, सो प्रोब एंड देयर इज ओनली वन रीजन व्हाई इट्स मोर, क्योंकि हमने दोनों ये बदल दिया है. द हेड इज कार आर ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एंड आर डिस्क ब्रेक, द डिस्क ब्रेक इज ऑफ एल्यूमिनियम ऑलॉय, उसके वजह से द फैक्टराइजेशन इज मूविंग अप एंड डाउन. ओके, सो किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? अभी हम लोग मैशिंग अच्छी तरीके से करेंगे, इसकी साइजिंग और अप्रोक्सीमेट कर्वेचर वगैरह ऑन रखेंगे, कोर्स को फाइन रखेंगे, स्मूदनिंग हाई रखेंगे, ट्रांजिशन स्लो रखेंगे. सर ये ज्योमेट्रिक के डिजाइन को लेकर एक क्वेश्चन था सर. हाँ सर, मैंने देखा सर अक्सर जो एनसिस में एनालिसिस करते हैं सर, उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो कैटिया सॉफ्टवेयर में होती है. अब ये देखो ये कैसे राउंड आया है, ये स्क्वायर भी है, रॉम्बस भी है, काइट भी है और राउंड भी है. क्योंकि ये देखो ये ऐसा राउंड भी है. वो सॉल्व कल जैसे बताया था सॉल्वर, ये क्रिएटिंग सॉल्वर इनपुट फाइल होने के बाद ये सॉल्वर आउटपुट फाइल जो है ना, इनपुट फाइल को पूरी रीड करके फिर सॉल्वर आउटपुट फाइल बनती है. सर डिफरेंट मेश पैटर्न आने का रीजन क्या है? किधर सर आपने बताया ना, कहीं पे स्क्वायर है, कहीं पे रेक्टेंगल है, कहीं पे सर्कल है. हाँ ये प्रॉक्सिमिटी और कर्वेचर डाला है ना हमने. कर्वेचर इज व्हाट मैं कल बोला ना, सर्कुलर पैटर्न रहता है. कर्वेचर मतलब सर्कुलर पैटर्न रहता है. कल हम मशीन किए तो उसमें बताया ना कि ये ऐसा ट्रायंगल है. अभी ये 3D एलिमेंट्स है, वी कांट कंट्रोल इट. दिस द पैटर्न इन विच द मेशेस आर एक्टिंग, वी कांट कंट्रोल द पैटर्न ओवर हियर. बट व्हाट वी कैन कंट्रोल इज दैट कैन वी गो फॉर दिस सर्कुलर पैटर्न, मतलब कर्वेचर पे जाना है या नहीं. अगर नहीं जाना होता तो वी वुड गेट दिस काइंड ऑफ स्क्वायर्स, मतलब पहले जो हमें ऐसा एक स्क्वायर दिखाता है इधर, ओके तो वैसा मिलता है. अभी ये भी देखो, इतना इतना छोटा छोटा एलिमेंट है. क्यों एलिमेंट है ये सॉफ्टवेयर जानते हैं. अभी क्यों एलिमेंट है दैट आई नो, क्योंकि ये हिट डिस्क वन है हमारी और ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क का ये पार्ट है. सो डिस्क ये जॉइन हो रहा है इधर, बराबर, ये अंदर में है. इसको मैंने ये हाइड ना होगा, ठीक है. अभी क्यों है, क्योंकि ये हेड डिस्क इसके ऊपर है बॉन्डेड रीजन में, इसलिए एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे. तो इसका मतलब एलिमेंट्स जब अंदर होंगे तो उसके लिए मैशिंग और रफाइन होगी, इसलिए ये इधर छोटा छोटा किया है ऐसा. इधर भी देख सकते हो या ओके. सो ज्योमेट्री में गए हम लोग, पार्ट वन, इसको बोलेंगे हम लोग टाइटेनियम में गए भाई. सेम फॉर यू, ओके. सो इनिशियल टेम्परेचर होगा 28 डिग्रीज सेल्सियस. अभी आप लोगों ने बुगाटी का वीडियो देखा है जो उन्होंने टाइटेनियम डिस्क लिया था उसके, ओके, उसका हीट कोएफिशिएंट देखा है, 100,000 डिग्रीज तक गए थे वो डिस्क. अभी हम वही करेंगे,
कन्वेक्शन होगा ऑन ईच ऑफ द बॉडी, अप्लाई फॉर बॉडीज, देन इनिशियल टेम्परेचर होगा कन्वेक्शन. टाइटेनियम का कन्वेक्शन कितना है? थर्मल कंडक्टिविटी गूगल, उसकी बहुत ज़्यादा है. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टाइटेनियम अलॉय, सिक्सटीन हंड्रेड. टाइटेनियम की थर्मल कंडक्टिविटी है 1600. सो 1600, ओके. सो 1600 आ गया. टेम्परेचर सिलेक्ट किया ऑफ दिस एंड दिस, अप्लाई and that would be of 800 degree Celsius, so we will say it's solved. ये देखिए, अभी हमने 800 दिया है, ओके, एंड सी द हीट फ्लक्स ओवर हियर. सो डायरेक्टली ये 200, मतलब जो डेस्क इधर है ये 200 को पहुंच चुकी है, ओके. टोटल हीट फ्लक्स, अगर आप देख सकोगे तो टोटल हीट फ्लक्स भी कम है, क्योंकि हमारी थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब टाइटेनियम अलॉय की थर्मल कंडक्टिविटी इज अबाउट 1600 वाट पर मीटर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. समझ में आ रही है बात सबको? हेलो, समझ में आया है यार सबको कि क्यों इसकी थर्मल, इसका हीट फ्लक्स कम आया है एज कम्पेयर्ड विथ द अर्लियर स्ट्रक्चरल स्टील एंड स्टेनलेस स्टील वगैरह, जो हमारे सर आ रहा है सर. जो हमारे नॉर्मल डिस्क होते हैं इन आर कार्स और इन आर बाइक्स, वो नॉर्मल डिस्क कैसा है? वो नॉर्मल डिस्क कभी कभी एल्यूमिनियम से बनता है, कभी कभी स्टेनलेस स्टील से बनता है, कभी कभी नॉर्मल माइल्ड स्टील से बनता है, ओके. सो उसमें क्या होता है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होने की वजह से उसमें हीट बहुत ज़्यादा देर रहती है, सिलिकॉन परसेंटेज ज़्यादा रहता है, इसलिए हीट कैप्चर होती है उसमें. अभी हीट फ्लक्स मतलब हीट फ्लो. उसके बाद इफ़ वी गो इनटू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी हायर सब्सटेंस विच इज़ लाइक टाइटेनियम और डायमंड और ग्राफाइट, उनकी अगर और ग्लास इवन से, सो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी में अगर हम गए तो उनका टेम्परेचर और हीट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, ओके. सो वो हीट जनरली बहुत फेंकते हैं बाहर लाइक तुरंत, ओके. अगर इसका हीट फ्लो देखने का है हमें तो वी कैन सी इट फ्रॉम हियर. टेम्परेचर का देखते हैं, टेम्परेचर वुड बी अ गुड ऑप्शन. ओके, अभी टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 1000 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम इस टेम्परेचर पे सॉल्व किया है.
आफ्टरनून में कम लोग आए क्या आज? अबे टेम्परेचर देखो, प्रोब कहाँ गए मैं? प्रोब प्रोब इज हियर, या इधर तो 300 ही है. इफ आई गो इधर 280 है, मिनिमम 68. 68 अभी मिनिमम किधर है? मैक्स और मिनिमम किधर है? ये रहा मेरा मिनिमम. सो ऐसा ऐसा जाएगा. अगर कर्सर देख रहे हो मेरा, तो कर्सर के साथ एक छोटा सा नंबर है. अभी 268.5 है, इधर गए तो 314 है, इधर गए तो 439.31, 678, 1923. ओके, ये सब ऐसे चीजें होती हैं. ये समझ में आया सब लोगों को? यस सर. ओके, सो अभी हम इसको रोटेशन देके देखते हैं होता है कि नहीं स्टैटिक स्ट्रक्चरल में. मैकेनिकल आंसर प्रोजेक्ट.
अभी मुझे किसी ने तो भी पूछा था ना कि स्टैटिक स्ट्रक्चरल में एक्सप्लिसिट डायनामिक्स जैसे होता है कि नहीं, या डिड यू गेट योर आंसर? नहीं होता करके मैं इसको खाली रोटेशनल स्पीड दिया हूँ। ओके और इसमें इसने इसका शेयर दिखाया, ये देखिए अंदर गया है, ये खाली रोटेशनल स्पीड दिया है। अभी इसको अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, फिक्स सपोर्ट ऑफ यर एंड यर, अप्लाई सॉल्व, ये देखिए खाली ये चीज़ घूमी है। आगे इसको प्ले किया तो समझ में आया। किसने पूछा तो मुझे कि क्या हम स्टैटिक स्ट्रक्चर में एक्सप्लिसिट डायनामिक्स की तरह कर सकते हैं या डायनामिक एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं? द आंसर इज नो, वी कैन डू एनी डायनामिक ये एनालिसिस इन अ स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ एंसेस। ओके Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.